नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। झारखंड में 13 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव होना है। बीजेपी जेएमएम पर आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब है झोल माफिया और मुस्लिम तुष्टिकरण। झारखंड का गठन आदिवासी समाज की संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन वहां वोट बैंक के कारण आदिवासियों का खात्मा होता जा रहा है और आज वहां की जनता ने ऐसे घुसपैठिए गठबंधन को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। इसी संकल्प और निर्णय का सम्मान करते हुए झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ना सिर्फ घुसपैठियों को चिन्हित कर झारखंड से बाहर निकालेंगे बल्कि आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए कानून भी लाएंगे। वहीं कासगंज में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कासगंज के कस्बा मोहनपुरा गांव में कुछ महिलाएं मिट्टी खोदने गई थी। इस दौरान मिट्टी का ढेर अचानक बह गया और इसमें कई महिलाएं दब गई। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत एक युवती की दबकर मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। करीब 2 दर्जन महिलाओं के मिट्टी के ढेर में दबे होने की आशंका है, जिनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कासगंज से खबर, जहां कासगंज की जिलाधिकारी मेधा रूपम और एसपी अपर्णा रजत कौशिक घटनास्थल पर मौजूद हैं। दोनों ही अधिकारी राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस हादसे में एक लड़की समेत 3 महिलाओं की दबकर मौत हो गई है। करीब 4 से 10 महिलाएं मिट्टी के ढेर में अभी भी दबे होने की आशंका है। ये लोग मट्टी पोतने के लिए, आज कोई फंक्शन होता है उस चक्कर में वहाँ गए थे मट्टी लेने के लिए, पोतने के लिए अपने घरों को। तो वहाँ जो है दीवार गिरने से जो है ये हादसा क्या पता चला है, जिसमें हमारे यहाँ 9 लोग आए हैं अब तक, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई है और 5 ही हालत सही है। उसमें से 2 लोगों को हमने अलीगढ़ रेफर कर दिया, महिलाओं को, जिनकी चोटें ज़्यादा थी और थोड़ी सी हालत गंभीर थी और बाकी लोगों का यहीं इलाज चल रहा है। सीधा रुक कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। पाठक जी, अगर बात करें जिस तरह से कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ, कई सारी जो महिलाएं हैं वो मिट्टी खोदने गई थी और मिट्टी का ढेर उनके ऊपर गिर जाता है, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, कितना आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ पाया है, क्या अभी कितना और समय लगेगा रेस्क्यू पूरा होने में? कासगंज के मौके पर डटे हुए हैं और जेसीबी मशीन से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है और पूरी तन्मयता के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी और आम जनता भी सहयोग में जो है आ गई है। अभी तक 9 लोगों को जिला अस्पताल में वहां के भर्ती कराया गया, जिसमें 4 के मरने की खबर है। इसके अलावा कई और लोगों के मलबे में दबे होने की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कई और लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। इस दौरान क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है और जो हताहत हैं, जो मलबे में दबे हैं, उनका रेस्क्यू कर उनको जल्द से जल्द बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं और मौके पर जो है वो रेस्क्यू चल भी रहा है। जिलाधिकारी और वहाँ व्यक्ति हैं, इसके अलावा जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन निर्माण एजेंसी की तरफ से जिस तरह की लापरवाही सामने आई है वो काफी गंभीर है, क्योंकि मजदूरों को मिट्टी खुदाई करवाई जा रही थी, लेकिन एहतियातन के तौर पर जो सुरक्षा के मानक हैं उनका इंतजाम और नतीजतन जो है 4 मजदूरों की मौत का मामला अभी तक फिलहाल सामने आया है। ये मरने वालों की संख्या और बढ़ भी सकती है, संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि मलबे में अभी और मजदूर दबे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। क्योंकि निर्माण एजेंसी जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर जिम्मेदार जो है नजर आ रही है, अनिल जी किस तरह से समझे कि किसी भी सुरक्षा मानक का वहां पर जो है पालन नहीं किया गया था? जो महिलाएं हैं जब वो मिट्टी खोदती हैं तो मिट्टी का ढेर गिर जाता है, 4 की लाश जो है वो मिल चुके हैं, 4 के शव मिल चुके हैं, लेकिन कई और के दबे होने की आशंका है। यहाँ पर जो निर्माण एजेंसी है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई?
बेशक ये तो जांच का विषय है और जहां तक संज्ञान में आ रहा है कि जांच के आदेश दे भी दिए गए हैं, क्योंकि हादसा जो है वो काफी हृदय विदारक है और गंभीर है। तीन महिलाएं और एक बच्ची की मौत की बात कही जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर जो महिलाएं काम करने गई थी, जो मिट्टी की खुदाई कर रही थी, उनके पास बच्चे भी थे, क्योंकि मरने वालों की एक बच्ची भी है जो नाबालिग बताई जा रही है। तो एक ये गंभीर विषय है कि आखिर जब महिलाएं मिट्टी की खुदाई कर रही थी तो उनके बच्चों के लिए क्या इंतजाम किए गए थे। बच्चा अगर कोई अंदर खाई में उतर करके अगर खुदाई कर रहा है तो उस समय क्या क्या इंतजाम होने चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, पर नहीं पाए गए हैं इस तरह। क्योंकि आमतौर पर पाठक जी जब भी कोई भी निर्माण साइट होती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या वो इंतजाम नहीं किए गए थे? देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, पेट्रो करोड़ का ये मामला है जो अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है। ये काम जो है एक बड़ी निर्माण एजेंसी ने ले रखा है, लेकिन उसने तमाम पेटी कॉन्ट्रेक्टरों को जो है काम बांट रखे हैं। किसी की खुदाई कराई जा रही है, पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, मिट्टी की ढुलाई कर रहा है, तो ये जो बेतरतीब काम है, फुल सिस्टम नहीं है। ठेकेदार पर फिर पेटी, ठेकेदार फिर पेटी, ठेकेदार की परंपरा चल रही है, ये इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। क्योंकि अगर वो निर्माण एजेंसी स्वयं काम करती होती तो उसके पास जायज की बात है, अगर इतना पैसों करोड़ का काम लिया है तो उसके पास संसाधन भी होंगे। लेकिन जो पेटी कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, जो काम ले लिया कि आप मिट्टी का ये गड्ढा खोद दीजिए क्योंकि यहाँ पुलिया बनना है, तो वहाँ पर वो काम लेबर से ही करा लेते हैं और सुरक्षा के मानक का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हादसे के लिए ये जो व्यवस्था चली आ रही है पेटी पर, पेटी कॉन्ट्रेक्टर की, ये काफी हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई है, एक युवती की भी मौत हुई है साथ में, क्योंकि जैसा आपने भी कहा रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, हालांकि जो आला अधिकारी है वो मौके पर डटे हुए हैं, लेकिन कितना और समय और कितने और लोगों के फंसे होने की आशंका? देखिए जितना मलबा है जब तक हट नहीं जाता है तब तक पाना संभव नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है कि अभी और मजदूर फंसे हुए हैं, रेस्क्यू चल भी रहा है, प्रशासन काफी संवेदनशील है और मलबे को कहीं से भी कोई चूक ना रह जाए इस दिशा में पुलिस प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, यानी आगे किस तरह से एक्शन निर्माण कंपनी के खिलाफ भी लिया जाता है और रेस्क्यू कितनी देर में पूरा होता है, अनिल जी आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय पर हुए बवाल के कारण गरमाई सियासत के बीच प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने भी अपना एक नारा गढ़ दिया है। बेमियादी धरने पर बैठे छात्रों का नारा है, ना बटेंगे ना हटेंगे। इस नारे वाले हजारों पर्चे छात्रों के बीच वितरित किए गए हैं। छात्रों ने इस नारे के जरिए आयोग को संदेश भेजा है कि जब तक दो दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं है। धरना स्थल पर छात्रों ने हाथों में कई तख्तियां भी ले रखी है जिन पर नारे लिखे थे। छात्र इन नारों के जरिए आयोग के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्राओं और छात्रों का विरोध प्रदर्शन सोमवार से जारी है। बता दें कि सोमवार सुबह 10 बजे से प्रतियोगी छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन को शुरू किया था। प्रतियोगी छात्रों द्वारा पीएससी प्री 2024 और ARO 2023 प्री परीक्षा को लेकर विरोध किया जा रहा है। प्रशासन और आयोग के अफसरों के बीच और साथ बातचीत बेनतीजा रही है। वहीं अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को इस मसले का हल निकालने को कहा। यूपी पीएससी प्री परीक्षा को लेकर अब छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्र लगातार परीक्षा को एक दिन एक समय कराने की मांग कर रहे हैं।
सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शोएब रिजवी का। शोएब, क्योंकि अब जो छात्र हैं उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है, लोक सेवा आयोग के बाहर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब तो इस पूरे मसले को देखते हुए अब एक नया रुख भी इसमें सामने आ गया है कि नए पोस्टर जारी हुए हैं। छात्र साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं, ना बटेंगे ना हटेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। आयोग के बाहर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हैं, लगातार वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पैटर्न था उसी पैटर्न पे आयोग परीक्षा कराए। आयोग का नया पैटर्न जो परीक्षा कराने का है वो उनको मंजूर नहीं है, और इसी वजह से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी उनके उत्साह में कहीं कमी नहीं आई, वो उसी जोश के साथ अपने विरोध को जारी रखे हुए हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस जो विरोध प्रदर्शन है ये लगातार चला, पूरी रात वो वहीं बैठे रहे। उसके बाद अगली सुबह जब आज हम बात कर रहे हैं तो लगातार अभ्यर्थी वहाँ जमे हुए हैं, बल्कि उनकी संख्या बढ़ ही रही है। इस बीच भी अगर प्रशासनिक पहल की बात की जाए तो जिलाधिकारी खुद मौके पर 2 से 3 बार जा चुके हैं, अभ्यर्थियों से अपनी बात रख चुके हैं। उसके अलावा जो पुलिस कमिश्नर है वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो कह सकते हैं कि कोशिशें भी की जा रही हैं, सचिव की तरफ से भी कोशिश की गई, लेकिन जिस मुद्दे पर अभ्यर्थी अड़े हुए हैं उनका कहना है कि उसके अलावा उन्हें कोई बात मंजूर नहीं है। जो परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई है, जबकि ये इससे पहले विरोध कर रहे थे इस पूरे पैटर्न का, तो ऐसे में तिथि घोषित करने के बाद इनका आक्रोश बढ़ा हुआ है। अब यही देखना होगा, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, तमाम राजनीतिक दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं। डिप्टी सीएम जैसा आप बता रहे हैं उन्होंने भी सकारात्मक बात कही है, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बिल्कुल, हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को शोएब निर्देश जरूर दिए हैं कि जल्द से जल्द समस्या का हल निकाला जा सके, लेकिन उसी का नतीजा है कि अधिकारी मौके पर जा चुके हैं, जिलाधिकारी 2 से 3 बार जा चुके हैं, अभ्यर्थियों जब अधिकारी शोएब मौके पर मौजूद है तो समन्वय या एक बातचीत का कुछ हल क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि जिस तरह से छात्रों या अभ्यर्थियों का रुख है वो साफ कह रहे हैं ना बटेंगे ना हटेंगे, यानी एक चीज स्पष्ट है वो उनकी जो मांग है वो अगर पूरी नहीं होती है तो आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, तो किस तरह से क्या कुछ कोशिश है अब प्रशासन की तरफ से? देखिए रिया, दरअसल कोशिश ये की जा रही है अभ्यर्थियों से बात करके कि नतीजा निकले, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो आयोग को तय करना है कि वो जो नया पैटर्न है उससे परीक्षा कराएगी या पैटर्न चेंज करेगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को ही ये जो डिमांड है इसको आयोग तक पहुंचाना है। जो प्रशासनिक अमला है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह का विवाद ना हो, क्योंकि जिलाधिकारी और जो पुलिस कमिश्नर है वो जाकर के अभ्यर्थियों को छात्रों को समझा बुझा रहे हैं। बड़ी संख्या में लड़कियां भी इस मौके पर मौजूद हैं, लेकिन तय आयोग को करना, आयोग और शासन स्तर पर ही इस बारे में कोई निर्णय हो सकता है, तो यही वजह है कि इस पर निर्णय। लेकिन शोएब, जिस तरह से यूपीपीएससी की बात करें, तारीखों का ऐलान हो गया है, डेट शीट सामने आ गई है, दिसंबर के शुरुआत में पेपर है, वहीं जो दूसरे एग्जाम की बात हो रही है वो दिसंबर के अंत में है, ऐसे में जब आयोग ये बात स्पष्ट कर चुका है कि परीक्षा जो है पारदर्शी हो, यही वजह है कि 2 अलग-अलग पालियों में और 2 अलग-अलग दिन आयोजित की जा रही है, तो ऐसे में छात्रों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए क्या कुछ कदम अब? बिल्कुल रिया, बिल्कुल यही वजह है कि जो आयोग का रुख है वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया, उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, दिसंबर में 2 यानी पहले हफ्ते में पीसीएस और उसके बाद आरओआरओ यानी दिसंबर में दोनों परीक्षाओं को उनको कराने की उन्होंने तिथि भी घोषित कर दी। आक्रोश इसी बात से अभ्यर्थियों में बढ़ा है कि जब इस पर विवाद चल रहा था, अभ्यर्थी इस पर नाराज थे, तो उनको भरोसे में लेकर के या कोई बीच का रास्ता निकाले बगैर तारीखें घोषित कर दी, यही वजह है कि अभ्यर्थी ज्यादा बिल्कुल, यानी अब छात्रों को आखिर कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, भरोसा जो है दिलाया जाता है, या फिर छात्रों की मांग के आगे लोक सेवा आयोग झुकता है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा और किस तरह से छात्रों के इस प्रदर्शन को शांत कराया जा सकता है। शोएब, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते, बात अब मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ के बड़े कारोबारी पंकज जैन के इकलौते बेटे प्रियांशु की चाकू से गोद कर आज अहमदाबाद में हत्या कर दी गई। छात्र एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, गाड़ी तेज क्यों चला रहे ये कहने पर ड्राइवर ने कॉलर पकड़ ताबड़तोड़ चाकू मार दिए। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ के एक बड़े कारोबारी पंकज जैन के इकलौते बेटे प्रियांशु की चाकू से गोदकर अहमदाबाद में हत्या कर दी गई।
छात्र एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, वहीं गाड़ी तेज क्यों चला रहे ये कहने पर ड्राइवर ने कॉलर पकड़कर ताबड़तोड़ चाकू मारे। अहमदाबाद में मेरठ निवासी एमबीए स्टूडेंट की चाकू घोपकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की मां का कहना है कि बेटे के हत्यारे को जल्द से जल्द सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो मेरठ से पूरा मामला, जहां एक बड़े कारोबारी पंकज जैन के इकलौते बेटे को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शाहरुख सैफी का। शाहरुख, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थाना पल्लापुरम क्षेत्र का मामला है, जहां पर पंकज जैन का एक लड़का था प्रियांशु, जो अहमदाबाद में एमबीए की तैयारी कर रहा था। ड्राइवर से उसकी किसी बात को लेकर के नोकझोंक हुई और ड्राइवर ने उसकी चाकुओं से गोदकर निर्मल हत्या कर दी, जिसको लेकर के यहाँ उनके परिवार वालों को पता चला तो परिवार वाले यहाँ कोहराम मच गए और आनंद फानंद में यहाँ के सभी परिवार वाले अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। आज सुबह उसका शव यहाँ मेरठ आया है और अहमदाबाद से फ्लाइट से दिल्ली लाया गया, वहां से एम्बुलेंस से मेरठ लाया गया, जहाँ पर आज उसको उसकी डेड बॉडी को सुपुर्द खाक 9:30 किया गया है, और जिसमें कहा जा सकता है कि एक बड़ी हत्या की गई है, क्योंकि एक बड़े कारोबारी का एक लौटा बेटा था, जिसको देखते हुए उसकी मार थी आंसूर रुकने का नाम नहीं लेते, फड़फड़ा करके उसकी मां रो रही। शाहरुख, क्या सिर्फ विवाद गाड़ी तेज चलाने को लेकर था या कुछ और पुराना आपसी रंजिश की भी बात थी? क्योंकि सिर्फ एक इस बात को लेकर ड्राइवर का इतना गुस्सा हो जाना और चाकू घोप कर हत्या कर देना किस तरह से समझे? जी बिल्कुल रिया, कहा जा सकता है कि अभी जो मामला सामने आया है वो यही है कि गाड़ी तेज चलाने को रोका गया था प्रियांशु ने उस अपने ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका, उसमें आपस में नोकझोंक हुई, उसके बाद उसके ड्राइवर ने उसकी चाकू से घोदकर हत्या कर दी और वहीं उसको पोस्टमार्टम हुआ है और बॉडी आज मेरठ पहुंची है और पहुंच करके उसको 9:30 सुपुर्द खाक किया गया। आरोपी ड्राइवर क्या पुलिस की गिरफ्त में है शाहरुख? जी बिल्कुल रिया, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अहमदाबाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार जब भी मौके से ही कर लिया था और गाड़ी भी वहां पर मौके पर बरामद कर ली गई है और उसके पोस्टमार्टम कराया गया है, और जिसमें मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने भी इस मामले में जानकारी दी है। एसएसपी ने बताया है कि एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें पल्लापुरम के कारोबारी स्पेस पार्क कारोबारी हैं, उनके बेटे की निर्मल हत्या की गई है, जिसको आज सुपुर्द खाक 9:30 किया गया है, और ये बड़ी हत्या है क्योंकि ये घर का एक लौता बेटा था और ये पंकज अग्रवाल जो है ये एक बड़े स्पेस पार्क के बड़े कारोबारी बताए जाते। ठीक है शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस बार पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर बढ़ता जा रहा है। अब अमेठी में सपा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, इसमें लिखा गया है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष की ओर से लगाया गया है। मंगलवार की सुबह सुबह पोस्टर सामने आने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने अंबेडकर तिराहे पर ये पोस्टर लगाए हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया। पोस्टर में लिखा है कि अखिलेश का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। इसके अलावा जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे के नारे को भी दोहराया गया है। तो अब यूपी में जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के बाद 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में यूपी में पोस्टर वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नए पोस्टर सामने आ रहे हैं। आज भी अमेठी में एक नया पोस्टर देखने को मिला, जिसमें बीजेपी को संदेश दिया गया है कि अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत जल्द नियर है। साथ ही लिखा गया है कि जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। तो यहां पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर अटैकिंग अंदाज में नजर आ रही है। खबर झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर के बाद कार बाइक को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक और कार के बीच टक्कर इतनी भीषण कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं
गनीमत रही कि बाइक सवार कार की चपेट में नहीं आया। वहीं भाग रहे कार चालक को लोगों ने पकड़कर जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बाइक को घसीटते हुए घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से जो कार है वो बाइक को घसीटते हुए आगे ले गई। इस हादसे में बाइक के पलखच्चे उड़ गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि जो बाइक सवार युवक था वो जैसे तैसे इस हादसे का शिकार होने से बच गया। वहीं कार सवार युवक भागने की फिराक में था, हालांकि लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पीट दिया। खबर झांसी से है, जहां रेलवे का वैगन रिपेयर वर्कशॉप में रेलवे के लोहे से भरा ट्रक डीजल इंजन से टकरा गया। वहीं इस घटना के बाद वर्कशॉप में हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों ने घटना का जायजा लिया और एक जांच कमेटी बना दी ताकि जांच के बाद दोषियों को कार्रवाई की जा सके। तो झांसी से एक खबर है जहां लोहे से भरा ट्रक डीजल इंजन से टकरा गया। खबर झांसी से है जहां रेलवे का वैगन रिपेयर वर्कशॉप में रेलवे के लोहे से भरा ट्रक डीजल इंजन से टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। खबर फिरोजाबाद से है जहां खड़ी हुई कार में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से कार जलकर राख हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें पूरा मामला शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी का बताया जा रहा है। तो फिरोजाबाद से पूरा मामला जहां कार में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से आग जलकर राख हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में कार में आग लगी है, हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आर में किसी कारणवश भीषण आग लग गई, वहीं दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी, आग पूरी तरह से जलकर राख हो गई। और अब सीधे आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां चुनाव प्रचार प्रसार को धार देने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए देश की युवा शक्ति के लिए महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए हैं। एआई यूनिवर्सिटी की बात हो, वॉटर ग्रिड प्रोजेक्ट हो, हर घर से पाइप से पानी हो, देहात में पक्का घर हो, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना हो, इसमें महाराष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं और संकल्प की प्रस्तुति है। मैं महाराष्ट्र के आप सभी लोगों को इस संकल्प पत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। साथियों, महायुति के साथ साथ केंद्र में एनडीए की सरकार यानी महाराष्ट्र में
डबल इंजन की सरकार, यानी विकास की डबल रफ्तार। महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। राज्य के 100 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य में कई रेल मार्गों का विस्तार हो रहा है। साथियों, महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी, नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का तेज विकास ये अगाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अगाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना लट। तो आप महाराष्ट्र के चिमूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।